हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को रेल टिकट बुकिंग कैसे होता है थ्रू स्मार्टफोन, आज वही आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में। पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, वहाँ जाके आपको सर्च के जगह पे IRCTC टाइप कीजिए। IRCTC रेल कनेक्ट, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद इंस्टॉल कीजिए इसको। इंस्टॉल हो रहा है अभी, ऑलमोस्ट 73% हो गया। इंस्टॉल हो गया, अभी ओपन हो रहा है। ओपन में क्लिक कीजिए, यहाँ जो अलाउ दिखा रहा है इसको अलाउ कर दीजिए। रजिस्टर्ड यूज़र, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है इसको फिलअप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ईमेल आईडी, देखिए हम पुराना ईमेल आईडी डाले हैं, एक बार ये आईडी रजिस्टर्ड हो चुका है इसीलिए नहीं लिया। ठीक, फ़ोन नंबर भी ऐसे ही डालना है आपको, जिस नंबर पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा नंबर भी डालना पड़ेगा आपको। मान लीजिए जिस नंबर पे आप पहले से एक आईडी बना चुके हैं तो उसी नंबर को ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल के शो करेगा, इसलिए आपको नया नंबर डालना है। जैसे ही हम नया नंबर डाले हैं तो इसमें कुछ नहीं मैसेज आया, मतलब ये पूरा नया है। जैसे ही हम पुराना ईमेल आईडी हम डाले हैं ऑलरेडी, जिस आईडी से हम एक बार रजिस्टर कर चुके थे ऑलरेडी मैसेज हमको दे दिया जी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको नया डालना पड़ेगा जिस आईडी से अभी भी रजिस्टर नहीं किया है। उसी एक आईडी हम डालेंगे। ये एकदम नया आईडी है, इसी से रजिस्टर नहीं है, देखिए कोई मैसेज नहीं आया। तो यहाँ यूज़र नेम हमको एक तो डालना पड़ेगा, यूज़र नेम भी ऐसे ही है, जो नया है वही डालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो मत डालिएगा। देखिए अभी ले लिया, अवेलेबल दिखा रहा है। मान लीजिए इसी नाम पे इसी यूज़र पे और कोई यूज़र होगा तो आपको कुछ चेंजेस उसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो नया कुछ डालना पड़ेगा। अभी पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें अपर केस लोअर केस और न्यूमेरिक फिगर डालना है, ऐसे सिंपल पासवर्ड देने से वो नहीं लेगी। देखिए हम अपर केस लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ में न्यूमेरिक फिगर भी डाले हैं। यहाँ फर्स्ट नेम मिडिल नेम, जिसका नहीं है तो मिडिल नेम मत दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है देना पड़ेगा। देखिए इसके बगल में लिखा हुआ है, ऑप्शनल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज़रूरी है वो डाल दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद मेल फीमेल में क्लिक करना है,
मेल, नेशनलिटी दे दीजिए इंडियन। यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आपका अच्छा लगे वो लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिएगा, उस हिसाब से उसका आंसर भी दे दीजिएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। देखिए पासवर्ड हैव अल्फाबेट एंड नंबर, पासवर्ड के लिए कुछ मैसेज यहाँ आ रहा है जब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अल्फाबेट एंड नंबर, हम यहाँ कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए थे, शायद इसको नहीं चाहिए हो, इसीलिए स्पेशल कैरेक्टर को हटा के अल्फाबेट और नंबर में रख रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कीजिए। देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस मांग रहे हैं, तो यहाँ एक तो रेसिडेंशियल एड्रेस भी डाल दीजिए। ऑफिस एड्रेस, रेसिडेंसी सेम होगा वो भी दे सकते हो, स्ट्रीट ट्रीट ये सब ऑप्शनल है। सिलेक्ट कंट्री, यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए इंडियन, इंडिया। पिन कोड यहाँ दे दीजिए, सिटी, पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ फ़ोन नंबर आपको देना है, जिस फ़ोन नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए उसी नंबर ही डाल दीजिए, वो डालने से शायद नहीं लेगा लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 4340, यहाँ सिटी देना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ डालना पड़ेगा, फोन नंबर, फोन नंबर आपको डालना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूज़र, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कॉन्फर्मेशन SMS आ गया, प्लीज़ लॉगिन टू वेरीफाई योर अकाउंट। अभी लॉगिन करना पड़ेगा आपको, लॉगिन करने के लिए यहाँ चले जाइए, यहाँ जाके जो यूज़र नेम डाले थे उस यूज़र नेम को यहाँ डालना पड़ेगा। और पासवर्ड जो डाले थे उस पासवर्ड को यहाँ डाल दीजिए। और यहाँ जो कैप्चा कोड जो है दिया है नीचे, जैसे जैसे दिया है उस हिसाब से डालिएगा, जो लोअर है लोअर डालिएगा, जो अपर है अपर। उसके बाद लॉगिन में क्लिक कीजिए। देखिए आपका लॉगिन हो गया, यहाँ एक OTP आएगा मोबाइल पे, जिस नंबर आप दिए हैं उसी नंबर में ही OTP आएगा। देखिए
देखिए एक तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालना पड़ेगा, ओटीपी ऑलरेडी हम दूसरे मोबाइल का नंबर दिए थे उस नंबर पे ओटीपी आ गया, हम उस ओटीपी को यहाँ टाइप कर देंगे। और जो ईमेल आईडी जो डाले हैं उस ईमेल में भी एक तो आपका ओटीपी जाएगा, उस ईमेल ऑलरेडी हो चुका है ले लिया। और यहाँ आपको वेरीफाई ईमेल आईडी, तो ऑलरेडी एक तो ईमेल जो ईमेल आईडी हम रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिए थे उस ईमेल में लॉगिन करना है हमको, तो इसी फ़ोन से तो संभव नहीं है, हम दूसरे फ़ोन से लॉगिन करके जस्ट ओटीपी को यहाँ डाल देते हैं, हमारा जीमेल अकाउंट में घुसना पड़ेगा। जीमेल में देखना पड़ेगा वो हमारे पास मेल आया कि नहीं। क्योंकि उसमें हमारा ओटीपी आएगा, कि मोबाइल में जो ओटीपी आता है वो तो ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, तो मोबाइल नंबर देखिए स्क्रीन पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखा रहा है, हमको यहाँ डालना पड़ेगा मेल में जो भेजा गया है ओटीपी, क्योंकि डबल वेरिफिकेशन होता है, एक तो आप जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उसमें भी एक तो आएगा और आपका मेल में भी एक तो आएगा, तो दोनों वेरीफाई होना ज़रूरी है। मान लीजिए एक हुआ और एक नहीं हुआ तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो हमको दूसरे मोबाइल से हम देख रहे हैं जीमेल अकाउंट में घुस के जो ओटीपी आया कि नहीं, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, शायद थोड़े टाइम लेता है, मतलब 2-4 मिनट ऐसा टाइम लग जाता है, वो डिपेंड करता है नेटवर्क का ऊपर, सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो आ जाने दीजिए। नहीं आया तो और एक बार आप यहाँ देखिए नीचे रिसेंड ओटीपी लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसमें भी आप क्लिक कर सकते हो। देखिए यहाँ दिखा दिया ईमेल ओटीपी सेंड टू योर मेल, देखते हैं कि नहीं, इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमको डालना ही है, नहीं डालेंगे तो आगे नहीं जाने देगा। अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे, हाँ चलिए आ गया, मिल गया, ठीक है। इस मेल को हम दूसरे मोबाइल से लॉगिन किया ऑलरेडी, उसी नंबर से ओटीपी यहाँ डालेंगे, हमको मिल गया ओटीपी। इसके बाद देखिए वेरीफाई यूज़र, इसमें देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली फॉर द यूज़र, आईडी हम जो दिए हैं उस हिसाब से भेजा है, देखिए आ गया, हमको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ हमको जो पासवर्ड हम दिए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो डालेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड भी डाल देंगे यहाँ, जैसा जैसा है कैपिटल में होगा कैप्चा कैपिटल में ही देना होगा, ये तो पता ही है। थोड़ा टाइम लग रहा है, हम एक हाथ से कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि एक हाथ में आपका लाउड स्पीकर पकड़ के रखे हैं उसीलिए थोड़ा हमको भी दिक्कतें हो रहे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम दे रहे हैं एक एक करके, क्योंकि एक गलत दे देंगे तो फिर से हमको डालना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा केयरफुली इसको डालिएगा। हम एक हाथ से लाउड स्पीकर पकड़े हैं इसीलिए, हाँ चलिए हो गया, लॉगिन में क्लिक करेंगे, प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र और पासवर्ड, क्यों पासवर्ड में गड़बड़ हो गया।
ठीक है, पासवर्ड को और एक बार डाल देते हैं। चलिए लॉगिंग हो गया, शायद लग रहा है पासवर्ड एक हाथ से ऑपरेट कर रहे थे इसलिए पासवर्ड भी गलत हो गया था। देखिए अभी एक तो आया एंटर पिन, ये एक तो कंफर्म पिन। ये पिन नंबर जैसे आप दूसरे टाइम जब लॉगिन कीजिएगा पासवर्ड का बदल जरूरत नहीं होगा, आप पिन से भी लॉगिन कर सकते हो। इसलिए यहाँ एक तो जो आपको पिन याद रख सकते हो, जैसे एटीएम पिन होता है उसे 4 डिजिट का पिन होगा, 4 न्यूमेरिकल फिगर का ही होगा। मान लीजिए यहाँ हम एक तो पिन डाल दिए, उस पिन को ज़रूर याद रखिएगा जैसे पासवर्ड को याद रखना पड़ता है, उसलिए उसी हिसाब से पिन को भी याद रखिएगा, क्योंकि वो दूसरा जैसे पासवर्ड से लॉगिंग होता है तो उसी तरह पिन से भी लॉगिंग हो सकता है। इसलिए कन्फर्मेशन पिन एक ही बार आपको जनरेट करना है, यहाँ जो दीजिएगा वही आपका याद रखिएगा, उसी से ही लॉगिंग हो जाएगा। रिमेंबर पिन, देखिए ये हम जो बोले हैं वो भी एक मैसेज दिखा रहा है आपको, रिमेंबर पिन, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लीज़ फॉर फ्यूचर यूज़। इसको किसको डिस्क्लोज मत कीजिएगा, जैसे एटीएम पिन होता है ऐसे ही है, लॉगिंग के टाइम पे आपको ज़रूरत होगा। देखिए हम आ गए, इतने सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होने के बाद हम अभी आ गए बुकिंग के, अभी पूरा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऐप तो पहले ही डाउनलोड किए थे, और एक्टिवेशन अकाउंट सब कुछ हो गया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हो गया। अभी फर्दर जब आप यूज़ कीजिएगा इतना कुछ करने का ही ज़रूरत नहीं कि ये सब वन टाइम होता है, हम वन टाइम ही किए हैं सब कुछ। अभी आपको जस्ट बुकिंग करना है और पिन से लॉगिंग करना है, बुक करना है, बुकिंग होने के बाद प्रिंट आउट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो, मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसके बाद यहाँ से लॉग आउट करके निकल जाना है, बस और कुछ नहीं है। एक तो वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा कंप्लीट एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बुकिंग प्रोसेस पूरा दिखाएंगे, उसमें आपको एक तो बैंक से व कार्ड से कैसे पेमेंट होता है वो भी आपको दिखा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वॉच माय वीडियो, बहुत सारे वीडियो हम इसमें आप डालेंगे, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे टाइम टू टाइम हमको वीडियो, ऐसे ट्रैवल वीडियो हम अपलोड करते हैं, और लाइक कमेंट शेयर वो भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।